हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के शुरू में आपको इंस्टाग्राम में जो ट्रेंडिंग चल रहा है यहाँ पर GTA ट्रेंडिंग रील्स देख सकते हैं। इसी तरह के यहाँ पर रील्स कैसे बना सकते हैं देख सकते हैं। एकदम पहले यहाँ पर एक रील बनाए है, तो इसी तरह के तो देख सकते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर कुछ चल के आना है, आप फोर देख सकते हो। जो एंडिंग में होता है उसको यहाँ पर जो GTA का फोटो वो कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बताऊँगा। देख सकते एकदम पहले एक और वीडियो आप देख सकते हैं। अभी जो ये सेकंड सबसे लास्ट में जो फोटो है वो फोटो कैसे बनाना है इसके बारे में आज की वीडियो आपको बताऊंगा। और यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। आप यहाँ अपने कैमरे से कौन सा भी आपको अपना वीडियो शूट करना है, और जो भी एंडिंग का जो पार्ट का जो पोजीशन आप सेट किए हो मतलब रुकते हो, वही फोटो का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और आप कैमरे से भी निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्रोम से एक मटेरियल डाउनलोड करना है, जो है GTA का जो वॉलपेपर होता है वो यहाँ पर बैकग्राउंड वॉलपेपर आप कौन सा भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये GTA का आपको एक लोगो डाउनलोड करना है, तो GTA का लोगो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर PNG लोगो यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो सिंपल यहाँ पर बहुत सारे आपको लोगो दिखाई देंगे, कौन सा भी आप लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड और फोटो ऐड करने के बाद आपको यहाँ करना है, जो भी आपने एंडिंग में पोस्ट दिया है उसका स्क्रीनशॉट निकालना है। आप यहाँ पर फोटो भी चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं एग्जांपली मैं इस फोटो को यहाँ पर जो GTA जो बैकग्राउंड होता है इसमें अटैच करके आपको बताऊंगा कि तो एग्जांपली मैंने एक फ़ोटो चूज़ किया है। तो आपको क्या करना है, इसको पिक्सआर्ट से ओपन करना है। आपको यहाँ पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन होना चाहिए, इसी एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपने एंडिंग में फोटो लिए है उसी का यहाँ पर अटैच कर देना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पर ले भी सकते हैं आप यहाँ पर कैमरे से। तो अब अभी आपको क्या करना है, इफेक्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस सिंपली उस पर आपको क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सोल का इफेक्ट आपको चूज करना है। अभी देख सकते हैं मेरे सामने रिसेंट में एक सोल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मैजिक वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलेगा। जब आप यहाँ पर ढूंढना है मैजिक वाले ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर स्केच 1 का एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो सिंपली आप पहले आपको सोलो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सोलो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो जो है वो पेंट तरीके बन गया है। अब उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो 3 सर्कल आपको दिखाई देंगे उस पर आपको क्लिक कर देना है और डन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो सेव होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर स्केच 1 को आपको चूज कर देना है। चूज होने के बाद जो भी बॉर्डर लाइन होते हैं वो स्केच तरीके से आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, उसी वाले स्केच वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर हॉरिजेंटल होता है वो -10 है, आपको यहाँ पर उसको 0% आपको रखना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर कलर देख सकते हैं, जो बॉर्डर लाइन कलर है हमने व्हाइट किया है उसको हम फिर से ब्लैक करेंगे। ब्लैक करने के बाद आपको यहाँ पर वर्टिकल भी आपको यहाँ पर 0 दोनों भी 0 करना है। हॉरिजेंटल वर्टिकल 0 होने के बाद हमारा फोटो अटैच हो चुका है। तो आपको अच्छी तरह से इसको सेट कर देना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर जो भी ब्लैक पॉइंट होता है उसको आप यहाँ पर एग्जैक्टली बढ़ा भी सकते हैं। तो लाइन बढ़ाने के बाद देख सकते हैं इसी तरह हमारा फोटो रेडी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, उसको राइट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ये फोटो हमारा सेव हो चुका है। अभी इसके सामने आपको एक टूल्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक करके फ्री क्रॉप वाला एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पर्सन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर जितना आपका पर्सन है इतने तक ये ऑटोमेटिकली इमेज क्रॉप करेगा। उसके बाद आप सिंपली इसको गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इमेज रेडी हो चुका है। अभी राइट वाले बटन क्लिक करके सिंपली हमने यहाँ पर सेव वाले बटन क्लिक करना है। ऊपर की साइड में आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखा है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। याद इस स्टिकर भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और सिंपली आप इसे गैलरी में सेव कर सकते हैं। अभी हमारे जो फोटो है गैलरी में सेव हो चुका है। अभी आपको क्या कर देना है, जो GTA का हमने बैकग्राउंड चूज किया था उसको आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। तो देख सकते हैं हमने एक GTA का बैकग्राउंड लिया था।
अभी आपको क्या करना है, इसको अच्छे से थोड़ा क्रॉप कर लेना है क्योंकि ये फोटो है। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड फोटो पर क्लिक करके हमने जो फोटो यहाँ पर पेंट बनाया था पिक्सार्ट से, उसको यहाँ पर अटैच कर देना है। तो देख सकते हैं इसी तरह यहाँ पर फोटो आपको अटैच कर देना है। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करके जो हमने लोगो चूज किया था उसको आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। अब यहाँ पर PNG लोगो आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमने PNG नहीं चूज किया है। तो आप इसको भी क्रॉप वगैरह करके अच्छे से लोगो सेट कर सकते हैं। आप जैसे PNG डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये लोगो आ जाएगा। तो आपका PNG लोगो नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर मैनुअली क्रॉप करके इसको अटैच करना पड़ेगा। तो देख सकते थे इसी तरह आप यहाँ पर जो भी वीडियो बनाए उसको आपको सिंपली सेव कर देना है फोटो को। फोटो को सेव करने के बाद आपको जो पर जो भी वीडियो सामने बनाए है आप यहाँ पर काइन मास्टर से इसको जो भी वीडियो बनाए उसके अगले वाले पार्ट में अटैच कर सकते हैं। अभी सिंपली इस फोटो को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर पिक्सार्ट काइन मास्टर ओपन कर देना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद जो भी हमने वीडियो चूज किया था, अभी हमारे पास एक वीडियो नहीं है, तो सिंपली आपने जो भी आधे तक का वीडियो कंप्लीट किया है उसके सामने सिंपली इस फोटो को अटैच कर देना है। और हमारा वीडियो है GTA ट्रेडिंग का रील्स होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स आज के शुरू में इतना ही, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।